ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. في ركعونها ممتاز اسلام دنيا بھر کے مذهب زیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا اس کو جلا سکے گی نہ تو سب کی آگ بھی محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا چمکتی ہوئی پیشانی دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اخبار سے موبائل سے جب فرصت ہوگی تب قرآن پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے اندازہ کر رہا ہوں کہ سسرال میں ہے کہ پنڈال میں. تین سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے کیسے پتا چلے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کیسے پتا چلے گا کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے بھی یا نہیں ہے, ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں, دل ہمارا زندہ ہے یا مردہ. یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے قرآن پر تین حملے ہوئے, کہیں تو دریا میں ڈال دیا گیا کہیں جلا دیا گیا, پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. ایک ہی بچہ ایک ہی وقت میں حافظ اور ماسٹر دونوں بن سکتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے. اور آخری سوال ہے
मदरसे का मिल्लत पर चार एहसान है और मदरसा तीन काम से बाकी रहेगा इंशाल्लाह। मदरसे को बाकी रखना है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, बाईपास बनवा जा रहा है तेजी के साथ। औरतों के बयान तक मैं पहुंचने वाला हूं, आपको पहुंचाने वाला हूं। सब काम पहले होगा, शादी बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। समझ में आ रहा है, मैं आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरा पहला सवाल था कैसे पता चलेगा कि कुरान अल्लाह की किताब है। सबसे पहले इसकी कोई कॉपी नहीं कर सका, इससे पता चलता कुरान अल्लाह की किताब है। इसको कोई मिटा नहीं सका, 1400 साल से मेहनत जारी है लेकिन कोई इसको मिटा नहीं सका। और साइंस बाद में आई, कुरान पहले आया। साइंस आज के दौर में कुरान को गलत साबित ही नहीं कर सकती। कुरान अल्लाह की किताब, कैसे पता चलेगा कि खुदा से हमारा ताल्लुक है? कुरान से ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है, साफ बात। अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, साफ बात। अगर दिल के अंदर कुरान मौजूद है तो ये दिल जिंदा है, अगर दिल से कुरान निकल गया तो दिल मुर्दा है। उसकी अलामत यह है कि जगाने के बाद भी नहीं जगता। दुआ कबूल होती है, कैसे पता चलेगा? तिलावत है, कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल है। अगर तिलावत भी नहीं, कुरान पर अमल भी नहीं, इसका साफ मतलब है दुआ कबूल नहीं होती। कुरान पर तीन हमले हुए। सबसे पहला हमला हुआ 1257 ईस्वी में, सारे कुरान को बगदाद में दरिया के अंदर डाल दिया गया, एक भी कुरान बाकी नहीं रखा गया। आपको सुनकर के हैरत होगी, कुरान कैसे बाकी रहा। दूसरा हमला हुआ 1861 ईस्वी में इसी हिंदुस्तान में, 300,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए, कुरान कैसे बाकी रहा। तीसरा हमला हुआ 1937 में रूस की सरजमीन में, कुरान पढ़ने वाले को फांसी की सजा दी जाती थी, कुरान पढ़ने वाले को जेल जाना पड़ता था, कुरान याद करने वाले को फांसी की सजा दी जाती थी। ऐसे आलम में कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चे दर्जी की दुकान पर आकर के सिलाई के बहाने से कुरान सीख लेते थे, कुरान की हिफाजत फरमाई। इन्हीं बच्चों की वजह से मसमूम माहौल में भी कुरान की हिफाजत। मदरसे के चार एहसान है। सबसे पहला एहसान है, ये मदरसा नहीं होता इस्लाम बाकी नहीं रहता। मदरसे का दूसरा एहसान, अगर ये इस्लाम नहीं होता, मदरसा नहीं होता, तो हम इंसान की बात तो दूर, मुसलमान की बात दूर, हम जानवर से भी बदतर होते। तीसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह होता ही नहीं। मदरसे का चौथा एहसान, सबसे बड़ा एहसान, दिल के कान से सुनने की जरूरत है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये सच्चाई है। अगर आप पूछेंगे तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ मदरसे में तालीम हासिल की, तो मैं कह सकता हूँ कि मुट्ठी भर पैसा मेरे बाप का खर्च हुआ, कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। मैं पढ़ करके आपको बयान सुना रहा हूँ, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम नहीं। मदरसा बाकी कैसे रहेगा? एक ही बच्चा एक ही वक्त में मास्टर हाफिज कैसे बनेगा? रास्ता में बता, 5 साल आप उसको स्कूल में पढ़ाइए, जब 5 साल मुकम्मल कर ले तो स्कूल से हटा करके 3 साल के लिए आप मदरसे में दाखिल कर दीजिए। आपका बच्चा 3 साल में हाफिज बन जाएगा, उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज है। वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप उसको ट्यूशन कराइए, वो बच्चा सबको पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, दुनिया की कोई किताब उसके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। मदरसा तीन काम से बाकी रहेगा, अपने बच्चे को मदरसे में भेज करके तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मदरसे के लोगों की तौहीन नहीं करेंगे, ताज़ीम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मदरसे को ताबून करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। वादा होगा चंदा नहीं होगा, हाथ उठाइए। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावत है, दिन भर तिलावत है, सब पर इबादत है, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बहुत खूबसूरत माहौल, बहुत जिंदा मजमा, दिल से दुआ निकलती है, आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। बिल्कुल बहुत तेजी के साथ छोटा छोटा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। हमारा खुदा
हम उसके बंदे उसके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए जोश के साथ इंशाल्लाह। मैं आपको हाथ उठाने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके अंदर से बेदारी का पता चले, आपके अंदर तलब कितनी है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। खुदा के तीन नाम है, एक नाम है गाफिर, दूसरा नाम है गफूर, तीसरा नाम है गफ्फार। इंसान के तीन नाम है जालिम, जलूम, सल्लाम। जो इंसान जुल्म करता है उसे अल्लाह माफ करता है तो अल्लाह का नाम हो गया गाफिर। जो ज्यादा जुल्म करता है उसको जलूम कहते हैं और अल्लाह ज्यादा माफ करता है तो अल्लाह का नाम गफूर है। हद से ज्यादा बंदा जुल्म करता है अल्लाह हद से ज्यादा माफ करता है, अल्लाह का नाम गफ्फार। उसका रिकॉर्ड है, उसने हर दिन जिना करने वाले को भी माफ किया है। उसका रिकॉर्ड है, मासूम बच्ची को जिंदा दफन करने वाले बाप को भी इस्लाम की दौलत से सरफराज किया है। उसका रिकॉर्ड है, 99 कत्ल के रिकॉर्ड का बनाने वाला जवान, उसे भी अल्लाह तौबे की तौफीक देकर इसकी तौबा को कबूल फरमाया। अच्छा, दुनिया से आप मांगिए आपको खौफ हो गया, थोड़ा मांग लेते, ज्यादा मांगेगा तो नहीं देगा, लेकिन अल्लाह से ये खौफ ही नहीं है। इतना ज्यादा मांगो कोई फर्क नहीं। दुनिया से मांगने पर डर होता है कि पता नहीं एक बार मांगता हूँ बार बार मांगूंगा नहीं मिलेगा। अल्लाह से मांगने पर यह डर ही नहीं होता, बार बार मांगो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया से मांगने पर यह डर लगता है यार मेरा पहचान का है कि नहीं, मैं अजनबी हूँ, मैं अपना हूँ या पराया हूँ, देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से मांगने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सबको देता है। दुनिया से मांगने पर यह डर लगता है, ये डर लगता है, ये डर लगता है। दुनिया से मांगने पर ये डर लगता है कि थोड़ी सी बेअदबी होगी जो दिया वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह से मांगने पर ये डर ही नहीं है, दिया हुआ वो वापस नहीं आएगा। दुनिया का कितना ही बड़ा मुजरिम हो जाए अल्लाह उस पर चार मेहरबानी जरूर करता है। दुनिया का कितना ही बड़ा नाफरमान हो जाए अल्लाह उस पर चार मेहरबानी जरूर करता है। पर्दा डालता, पकड़ता नहीं, रोजी छीनता नहीं, सेहत छीनता नहीं। एक बात याद रखिए, हजरत उमर की अदालत में एक चोर आया, उसकी सजा के बारे में ऐलान हुआ कि इसके हाथ काट डालो। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ करके कहने लगा मेरी पहली गलती है माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा ये हो ही नहीं सकता, मेरे खुदा की आदत के खिलाफ है, कोई पहली बार गलती करे उसको पकड़े। वो पर्दा डालता रहता है, डालता रहता है, जब बंदा पास नहीं आता तब पकड़ता। आपको एक बात सुनकर हैरत होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी में माफ करने वाले कौन लोग होते हैं? माँ बाप। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन ऐन वक्त जब खाने का आता है तो बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या क्या ले जा, नाराज तो है, दिल से नाराज है। अब बेटा आया, दौड़ा दौड़ा पैर पकड़ता है, मुंह खोलता है, माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, इससे भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। माँ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोलना पड़ता है, तब माँ माफ करती है। खुदा के पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया खुदा माफ। शराब की बोतल लेकर के जवान पास कर, हजरत उमर ने देखा कि नियत में खोट है, दाल काली मालूम हो रही है। हजरत उमर ने जवान से कहा, ओ जवान उधर से रास्ता काट करके नहीं इधर से आओ। अब जवान का पेशाब रुक गया, यार हजरत उमर ने देख लिया शराब की बोतल है, इतनी कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा हो जाएगा। अब दिल दिल में कहता है खुदा से, मेरे परवरदिगार इज्जत आबरू को ही बचा। करीब आया, हजरत उमर ने कहा क्या है? दारू की बोतल है दिखाओ। जवान की जबान से निकलता नहीं हुजूर सिरका। अच्छा सिरका है, अभी पता चल जाएगा। हजरत उमर ने जैसे ही ढक्कन खोला अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। जवान की तौबा, गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दर गुजर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे, खता सब करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुजर कर दे, खिलौना हाथ का
انشاءاللہ آج آزان ہوگا کل نماز پڑھیں گے بالکل صحیح رات کا ہے یہ دیکھیں ہم تو ہاف پاگل ہیں 12 بج جانے کے بعد بیٹھے ہیں آپ پھول پاگل ہیں پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھے ہیں خیر اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرما سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں بالکل مختصر وقت میں لے کر کے آ رہا ہوں ڈر لگتا ہے کہ کہیں بیان مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ بھاگ نہ جائیں لیکن مجھے امید ہے کہ محبت سے آپ سن رہے ہیں میرا بیان مکمل ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ دھیان سے سنیے مدینہ میں جب دوپہر میں سورج سر پر ہوتا ہے تو زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے جیسے کہ چولہا گرم ہوتا ہے اس میں جوتے کے ساتھ اگر پیر رکھا جائے تو بھی جل جاتا ہے لیکن حضرت نانوتوی کے لیے دعا فرمائیے اتنے بڑے عاشق تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے مدینے میں جوتا کھول کر کے چل پوچھا گیا کہ حضرت پیر نہیں چلے گا پیر جل جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ڈر یہ لگتا ہے کہ جوتا پہن کر کے چلوں کہیں وہی قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کا قدم پڑا تھا آتا ہے تسبیح لے کر کے لوگ آتے ہیں مکہ سے عمرہ کر کے اور مکہ سے حج کر کے آتے ہیں تحفے میں لوگوں کو تسبیح پیش کرتے ہیں لوگ بڑی ناقدری سے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یار یہ تو میڈ ان چائنا ہے مدینہ تو ہے نہیں میڈ ان چائنا ہے حضرت گنگوہی کے لیے دعا فرمائی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے جب تسبیح آتی تھی تو آنکھوں سے لگاتے تھے اور ہونٹوں سے چومتے حضرت یہ تو چائنا کا بنا ہوا ہے تو کہنے لگے میں مانتا ہوں یہ چائنا کا بنا ہوا ہے لیکن اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا لگے تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے حضرت سہارنپوری دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں 3 دعا مانگی ہے اور آنکھوں سے دیکھا 2 دعا قبول ہو گئی ایک دعا باقی ہے یہی سب سے اہم دعا ہے حضرت 2 دعا کیا قبول ہو گئی کہا کہ عرب میں اسلامی حکومت آ گئی ہے میری دعا کی قبول میں حدیث کی کتاب لکھ رہا تھا بدر المجہود وہ مکمل ہو گئی یہ دعا قبول ہو گئی اب ایک آخری دعا ہے تیسری دعا ہے اللہ سے امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یہ دعا قبول ہو جائے کہ پیدا تو ہندوستان میں ہوا ہوں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں اس سے پہلے بیان چل رہا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے آ رہا تھا جانتے ہیں وہ مدینہ میں کس طرح بیٹھتے تھے کس طرح مدینہ کا استقبال کرتے تھے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی وہ زمین پر بیٹھتے تھے چٹائی دوسرے کے لیے بچھائی جاتی تھی وہ چٹائی پر نہیں بیٹھتے تھے ان کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی کہتے تھے یار میں تو مدینے کا کتا ہوں زمین پر بیٹھنا ہی مناسب ہے چٹائی پر بیٹھنا آخری بات آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا ہندوستان سے جو ہوا چلتی ہے اور مدینہ جاتی ہے وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور جو مدینہ سے ہندوستان آتی ہے ہوا وہ گرم ہوتی ہے پچھم کی ہوا ہے پورب آ رہی ہے اور ادھر کی ہوا پورب کی ہے پچھم جا رہی ہے یہ ٹھنڈی وہ گرم حضرت نانوتوی سے کسی نے مذاق کیا کہ مولوی صاحب ہم مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو لیکن اس کا جواب دو جو مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے وہ گرم کیوں ہوتی ہے اور ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے اللہ پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے ایسا جواب دیا کہ لاجواب کہا کہ دیکھو بھائی ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ مارے خوشی میں جاتی ہے کہ نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں نبی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ہوئے لیکن جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے نبی سے جدا ہو رہی ہے نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہے غم میں ہوا گرم ہو جاتی ہے اس لیے وہ ہوا گرم ہے یہ ہوا ٹھیک ہے انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا حضور آباد میں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ایک مجنون اشفاق برائچی نے صحیح کہا تھا یہ 50 روپے لے کر کے آ رہا دیوانہ ہی ہے شوقوں نیاز و عشق کے سانچے میں ڈھل گیا وہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل گیا امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود یہ بارگاہ سرور دی ہے سمل گیا اگر چاہتا ہے تو عشق نبی آگ
इश्क़े नबी की आग में ताइब पिघल गया, इश्क़े नबी की आग में। तीसरा पैगाम शाबान के हवाले से सुना रहा, आप लोग शाबान का इस्तेमाल करेंगे, रमजान की हिफाजत होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहुत बेदारी के माहौल में सुनते हैं, तीसरा पैगाम आ गया, एक तिहाई जलसा निकल गया, दो तिहाई बाकी रह गया, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ धूम फंसी है, एक झटके में इंशाल्लाह वो भी पास होगा। ध्यान से सुनिएगा, तीन दिन होते हैं और तीन महीने होते हैं, अपना कौन सा दिन है, अपना कौन सा महीना है। एक दिन गुजर गया, वो अब हाथ आने वाला है, एक दिन आने वाला है, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं, वो भी हमारा नहीं। जिस दिन के अंदर हम चल रहे हैं यही हमारा है, कमाना है तो इसी में कमाना है, जो कमाना है वो आज कमाना है, जो अभी कमाना है आज वो अभी कर। तीन महीने थे, एक महीना गुजर गया, उसका नाम था रजब, अब वो वापिस नहीं आएगा। दूसरा महीना आने वाला है रमजान, पता नहीं जिंदगी साथ देगी कि नहीं देगी, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। तीसरा महीना चल रहा है शाबान, यही हमारा है, इसकी कदर कर लेंगे, अल्लाह हो सकता है कि रमजान की बरकत से हमें महरूम ना पड़े। चार दिन कमाने के हैं, चार रात कमाने की है, पहला दिन जुमा का दिन, दूसरा दिन ईद का दिन, तीसरा दिन अरफा का दिन, चौथा दिन आशूरा का दिन, चार दिन कमाने। उसी तरह चार रातें कमाने की है, एक रात है जुमे की रात, दूसरी रात है ईद की रात, तीसरी रात है शबे कदर रमजान में, चौथी रात है जो सामने आने वाली है शबे बरात। शबे बरात की दो खूबी है, पहली खूबी यह है कि मगरिब के बाद ही अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, मैं तुम्हें रोजी दूंगा, रोजी मांग कर खुद देखो, मैं तुम्हें माफ करूंगा, तौबा करके तो देखो, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, अपनी बीमारी के लिए दुआ मांग करके तो देखो। और दूसरी खूबी क्या है कि हमारे खिलाफ हमारे हक में फैसला होता है। इस रात में शबे कदर में फर्क क्या है दिखाने के लिए जा रहा है, शबे कदर को छुपाया गया, शबे बारात को बताया गया, ये राज एक लाइन में बता रहा हूँ। शबे कदर नजात की रात है, और अगर बता दी जाती तो लोग उसी पर भरोसा कर लेते, जिंदगी में कुछ नहीं करते, इसलिए उस रात को छुपाया गया। और ये फैसले की रात है, शबे बारात है, हमारे हक में फैसला होगा, हमारे खिलाफ फैसला होगा, इसलिए बता दिया गया ताकि सोते सोते न रह जाए, हम अपने अंजाम से बेखबर न हो, इसलिए इस रात को बताया गया। इस रात में सिर्फ तीन काम आपको करने हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, अगले दिन रोजा रखेंगे इंशाल्लाह, मुर्दों का इसाले सवाब करेंगे इंशाल्लाह, नाम मुर्दे का होगा, काम अपना होगा इंशाल्लाह। खैर, मालिक ने नौकर से कहा कि देखो रात हो रही है, सफर जारी नहीं रखना, खत्म करते हैं, ये घोड़ा है, तुम घोड़े की हिफाजत करो, मैं सोता हूँ। आँख खुली तो पूछा कि घोड़ा है, कहा मालिक घोड़ा है, आसमान की तरफ क्यों देख रहा है, आसमान की तरफ इसलिए देख रहा हूँ कि अल्लाह ने बगैर फूटे के आसमान को कैसे खड़ा करा। अरे बेवकूफ, घोड़े की तरफ देखो, कहीं घोड़ा ना चला जाए, कभी फिक्र रहिए, सोइए, आपको फर्क नहीं पड़ता। मालिक सो गया, फिर आँख खुली तो नौकर से पूछा, कह रहे कहाँ देख रहा, जमीन के नीचे देख रहा हूँ कि अल्लाह ने पानी पर जमीन को कैसे बिछा दिया, घोड़ा है कि नहीं, कहाँ वो अपनी जगह पर है, आप सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का बंदा कहीं इधर उधर के चक्कर में मेरा घोड़ा न चला जाए। जब तीसरी बार आँख खुली और नौकर से पूछा कि घोड़ा है, घोड़ा तो नहीं, वो तो चला गया। अब क्या सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इल्जाम जागने वाले पर होगा या सोने वाले पर होगा, ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है, जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी आ रही है, खुशी।
जा रहा है। बहुत खूबसूरत पैगाम, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, जिनका बेटा जवान हो गया है, उनके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आदमी बखील क्यों होता है, कंजर क्यों होता है, कंजूस क्यों होता है, फूटी कौड़ी नहीं देता, ये राज आपको बता रहा हूँ। हराम क्यों कमाता है, जहन्नम में क्यों जाता है,